हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी ट्रेनर आसिफ सैयद। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन में सेफ्टी ऑफिसर के लिए पूछा जाता है, जिसका नाम है बेंचमार्किंग। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैं 2013 में निबोश के लिए रजिस्टर्ड किया था तो मुझे इंस्टीट्यूट से एक बुक मिली थी, IGC 1 और IGC 2 की। तो उसी में IGC 1 में यानि एक चैप्टर था जिसका नाम था, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। तो उसमें एलिमेंट्स 2 में यानि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में एक पॉलिसी बोल के एक चैप्टर था, उसी पॉलिसी के अंदर बेंचमार्किंग बोल के एक क्वेश्चन था। तो आज हम उसी बेंचमार्किंग के बारे में बात करने जाएंगे। अब हम देखेंगे कि बेंचमार्किंग क्या होता है। देखिए, जो बेंचमार्किंग है ना, ये एक प्लान्ड प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, KPI की मदद से, KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की मदद से कंपेयर करते हैं सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को। कहने का मतलब ये है, इससे हमें क्या पता चलता है, वो अनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो मेजर्स कर सकते हैं यानि चेक कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है या क्या बुराई है, यानि क्या स्ट्रेंथ है हमारा, क्या वीकनेसेस है। यानि कि आप जान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कंपेयर कर रहा है, अपना हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसेस उसका क्या है या उसका परफॉर्मेंस जो बाकी अदर्स के यानि कंपैरिजन में कैसा है। इससे वो लोग सीख सकते हैं कि मैं अपना एक्सीडेंट जो हमारा हो जा रहा है उसको मैं कैसे रिड्यूस करूं, या हमारा इल हेल्थ जो ज़्यादा हो गया है उसको कैसे मैं रिड्यूस करूं, यानि मैं सेफ्टी कॉम्प्लाइंस को कैसे इम्प्रूव करूं, या कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी है उसको मैं कैसे यानि और बेहतर बनाऊं। ये सारी की सारी चीज़ें बेंचमार्किंग में देखी जाती है। अब हम देखेंगे कि बेंचमार्किंग करने के क्या एडवांटेजेस हैं, यानी क्या फ़ायदा है। देखिए, बेंचमार्किंग करने का फ़ायदा ये भी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो KPI है उसका वो हम सही से कर रहे हैं कि नहीं, पहला। दूसरा, हम ये देख सकते हैं कि हम मेजर्स कर सकते हैं, हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर है, हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर है वो इफ़ेक्टिव यानी कारगर है कि नहीं। तीसरा, हमें ये भी पता चल सकता है कि हमें फीडबैक्स मिलता है कि हम क्या क्या अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी हमें क्या इम्प्रूवमेंट करते रहना है। और चौथा और आखिरी, हम यानी हमें एक हेल्प मिलेगा कि लर्निंग लेसन फ्रॉम अदर्स, उन्होंने क्या गलती किया था उसके वजह से एक्सीडेंट हुआ, इल हेल्थ हुआ, स्टाफ टर्नओवर हुआ या कोई प्रॉब्लम आया, बिजनेस रेपुटेशन लॉस हुआ, तो मुझे क्या नहीं करना है। यानी हम पॉजिटिव भी सीख सकते हैं और नेगेटिव जो उनके साथ हुआ है उससे हमें क्या लर्निंग लेसन फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, हम ये चीज़ भी हम अपने अंदर इम्प्रूव ला सकते हैं। बेंचमार्किंग सेशन के इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि जब हम बेंचमार्किंग कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने एक सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया, यानी मैंने अपने कंपैरिजन में कोई अच्छे, मतलब सेम मेरा सिमिलर जैसा मैं हूँ, जिस टक्कर का हूँ मेरे से अच्छा या मेरे जितना ही कोई कंपनी रहे जिससे मैं बेंचमार्किंग करूँ तो मुझे उसका परफॉर्मेंस से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। दूसरा चीज़ ये होगा कि मेरे को इंश्योर करना है कि जो मैंने डेटा लिया हूँ, जो यूज़ कर रहा हूँ मैं बेंचमार्किंग करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी यानी वो सच हो और सही हो। तीसरा, यानी बोथ ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कॉमन डेफिनेशंस, यानी हम लोग दोनों का एक ही उद्देश्य रहे कि ज़ीरो एक्सीडेंट, ज़ीरो टर्नओवर, सेफ्टी रिलेटेड कॉस्ट को, यानी जो एक्सीडेंट होता है तो उससे कॉस्ट बढ़ता है, जब एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही सोच को लेके चल रहे हैं, वैसी कंपनी के साथ बेंचमार्किंग करना है। चौथा, एसेसिंग डेटा, यानी मुझे डेटा जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं इंडस्ट्री से भी ले सकता हूँ, कोई गवर्नमेंट लेजिस्लेशन से भी ले सकता हूँ या स्टैटिक्स की मदद ले सकता हूँ बेंचमार्किंग करने के लिए। चौथा और आखिरी, कमिटमेंट टू द प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस है उसमें मेरा कमिटमेंट 100% होना चाहिए, तब जाके मेरा बेंचमार्किंग सही से होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेंचमार्किंग क्या होता है समझ में आ गया होगा। जाते जाते यानी सम अप करने से पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि बेंचमार्किंग करने के फायदे क्या होता है। देखिए इससे क्या होता है, जो इंजरी होता है, एक्सीडेंट होता है, इल हेल्थ होता है, वो मुझे रिड्यूस करने में मदद मिलेगा। दूसरा मुझे क्या मदद मिलेगा, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट रिलेटेड जो कॉस्ट होता है, जैसे मान लो एक एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट का डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, जो कोई कॉस्ट इंश्योर हो जाता है, कोई अनइंश्योर कॉस्ट होता है, इसके ऊपर भी एक चैप्टर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो देखिए जब एक्सीडेंट होता है तो कॉस्ट ज़्यादा लगता है, जो हमें पता नहीं चलता, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ मेरा कम हो जाएगा। और मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, सेफ्टी कॉम्प्लाइंस करने में मुझे मदद मिलेगा, जैसे कि सेफ्टी नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, और स्टाफ का एंगेजमेंट को मुझे इम्प्रूव करना है, और कंपनी का रेपुटेशन को एनहांस करना है, किस तरीके से मार्केट में बने रहना है और बिना किसी खतरे का, यानी एक वर्कर फियर फ्री एनवायरनमेंट में काम करे, उस तरीके से मुझे एक मॉरल रीज़न के साथ भी चलना है। तो ये बेंचमार्किंग करने से इन सारे चीज़ों पे मदद मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको बेंचमार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस टॉपिक को चुना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए मेरे इस वीडियो को, और भी इसी तरीके से और भी मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहे, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।